हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आप सबको दिखा रही हूँ नदी, अब मेरे घर के पास के नदी का व्यू, जो कि बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ पे एक पुल बन रहा है जो कि अभी आधा है बना हुआ है। यहाँ पे मंदिर भी बन चुका है, पहले बहुत ही पानी था, पानी ख़त्म हो चुका है तो पेड़ पौधे आ गए हैं। यहाँ पे छठ पूजा होती है जो कि काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। छठ पूजा का मेला लगता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। ये सब यहाँ बैठी हुई है, मैं घूम करके देख रही थी चारों तरफ, क्योंकि ये हमेशा जाती हैं। दूर दूर तक बस हरियाली हरियाली ही दिख रहा है। ये रहा पुल जो कि आधा बना पड़ा है। छठ माँ को तोड़ भी दिए हैं लोग पुल बनाते वक्त। वीडियो का बटन ही नहीं ऑन किया। बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, लोग गाय बकरियाँ लाते हैं घास खिलाने के लिए। बहुत ही ठंडा मौसम यहाँ पर रहता है। ठंडा मीन्स की पेड़ पौधे हैं तो ठंडा हवा आती है, जिस कारण से लोग आते हैं। बारिश का मौसम है जिस कारण से पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल हो गया है, बिकॉज घास बड़े बड़े हो गए हैं। बारिश ख़त्म होता है तो घास भी सूख जाता है, तो अच्छा व्यू आता है। ये हम लोग जा रहे हैं घर। ये लड्डू परेशान है घर जाने के लिए, वो सब धीरे धीरे आ रही थी बट मैं तेज़ी से आगे जा रही थी, बिकॉज लड्डू बहुत परेशान था घर जाने के लिए। ये व्यू, दूर से व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा है। आए थे हम लोग फूल देखने के लिए। ये सब धीरे धीरे आ रही हैं, बहुत ही दूर तक छठ माँ फैली हुई बनाया गया है, बहुत दूर तक बनाया गया है, बिकॉज काफ़ी भीड़ लगता है यहाँ पे। ये मेरे जस्ट घर के पास है तो यहाँ रोज रोज ये सब आती है, पता नहीं क्या देखने। हमको तो हमें तो रोज यही दिखता है जो अभी है, हमें कुछ चेंज नहीं लगे, रोज आती है देखने। देखिए दूर से कितना अच्छा व्यू आ रहा है इसका। ये जंगल बहुत ही हरियाली है यहाँ पे, देख लेना चाहिए था भाई। ये बहुत ही काफी दूर में फैला हुआ है।